नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। और मंडे के लिए मतलब 20 अप्रैल 2020 मतलब 20 अप्रैल 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई सेल लेवल्स दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाई सेल लेवल्स, गन लेवल्स, फ्यूचर लेवल्स, गन लेवल फिबोनाची, मूरेस, वोलेटिलिटी, नंबर वेरिएशन, 100 डे EMA, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे ये इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैंने जो बाई सेल लेवल्स सॉरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और जो लाइव दिखाता हूँ, लाइव डेमो दिखाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, मेरा बाई सेल लेवल और चार्ट का सेटअप्स का, तो वो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इसमें आप लोग ट्रेनिंग के बारे में आप लोग डिसीजन ले सकता है कैसे अच्छी तरीके से मैच का मतलब लेवल्स चलता है, मेरा बाई सेल लेवल्स और चार्ट का स्ट्रेटजी मेरा कैसे काम करता है। तो आप लोग ट्रेनिंग के बारे में भी इसका डिसीजन ले सकता है, इसमें आप लोग को मदद करेगा। आप लोग ट्रेनिंग इसका जरूर ले लीजिए, आप लोग देख सकता है लाइव डेमो में कैसे मैं और मतलब लेवल्स मैच करता है और मार्केट उसी का हिसाब से मूवमेंट होता है। तो इसमें आप लोग ट्रेनिंग जरूर लीजिए ताकि आप लोग को इसमें लाइफ लॉन्ग आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग कॉल सर्विस भी ले सकता है और अकाउंट हैंडलिंग भी करवा सकता है, लेकिन आप लोग को ट्रेनिंग में ज़्यादा सुविधा होगा। देखिए ट्रेनिंग में मेरा वन टाइम आप लोग पे करेंगे, थोड़ा सा इतना नॉमिनल कॉस्ट में आप लोग को इतना अच्छे मतलब इतना चीज़ कहीं भी नहीं मिलेगा। जो ये ट्रेनिंग लेने के लिए आप लोग को 50,000-60,000-1,00,000 रुपया आप लोग को खर्च करना पड़ेगा, तब भी ये चीज़ सभी चीज़ नहीं मिलेगा। मेरा रिसर्च करके आप लोग को डेवलप को या आप लोग सॉफ्टवेयर बाई कर सकता है, तो आप लोग को 50,000-60,000 के ऊपर कॉस्ट आ जाएगा। तो एक वन टाइम एक नॉमिनल कॉस्ट लेके आप लोग इसका बेनिफिट मतलब इसका ये अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिस नहीं करना चाहिए, इसका फ़ायदा आप लोग को ज़रूर उठाना चाहिए। तो इसमें आप लोग और जो मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो कि आप लोग को बहुत सारा स्ट्रैटेजिक टेक्निक्स है आप लोग को देख सकता है। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसे एनालिसिस किया जा सकता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सब बहुत सारा चीज़, ऑप्शन चेन के ऊपर भी बहुत सारा वीडियोस है, वो भी आप लोग को देख वो भी आप लोग देख सकता है। और इसका सब्सक्राइब कीजिए और इसीलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोस पसंद होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। और मैं जो यूट्यूब वीडियो में जो मेरा जो यूट्यूब वीडियो है और जो जितना सारा वीडियोस डालता हूँ ये ऑनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ है। इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेड करने के लिए आप लोग फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। और ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है ये वीडियो भी आप लोग जरूर ले लीजिए, ये वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर एक पिक्चर आ जाएगा आप लोगों के सामने कि इसमें क्या क्या मिलेगा और कैसे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और आप लोग ये जो बाई सेल लेवल्स अगला दिन देता हूँ उसको भी आप लोग चेक कर सकता है कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे मैं ये इसका इसी के हिसाब से मार्केट मूवमेंट हो सकता है। मैंने बहुत सारे लेवल्स दिखाता हूँ आप लोग कोई भी सब लेवल कंपेयर करके चार्ट का हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकता है, नहीं तो कोई भी एक लेवल आप लोग चुन के आप लोग काम कर सकता है। तो कोई भी लेवल किसी भी जो जगह से मैच नहीं करेगा तो मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो देखिए ये जो बाई सेल लेवल वन है इसका बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहेगा। सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएँ तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएँ तरफ रहता है।
और इसमें आप लोग गैप अप और गैप डाउन को आप लोग को कंसीडर कर लेना है। सोच लीजिए 900, ये जो वाई का एंट्री लेवल है 944, इसका 944 में ओपन हुआ क्या, 946 में ओपन हुआ, तो 944 46 या 956 के अंदर ओपन हुआ, तो सोच लीजिए 947 48 में ओपन हुआ तो आप लोग 991 टारगेट के लिए देख सकता है, नहीं तो 991.83 का नज़दीक है। जितना सर सोच लीजिए 950 हो गया तो आप लोग उस लेवल को छोड़ के 991.83 जब क्रॉस कर 80 मतलब 85 या आप लोग 10-20 पॉइंट जो स्टॉक का ऊपर, एक पॉइंट या 10-20 पॉइंट या 50 पॉइंट स्टॉक का ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक का प्राइस कितना है, उसको बाफर रख के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। सोच लीजिए 950 91 आप लोग 952 के ऊपर ट्रेड लिया या 991.90 या 991.95 के ऊपर आप लोग ट्रेड ले सकता है, उसका हिसाब से नेक्स्ट टारगेट ये होगा। और इसमें ये स्टॉप लॉस बन सकता है, नहीं तो ये स्टॉप लॉस बन सकता है, नहीं तो ये स्टॉप लॉस बन सकता है, वो आप लोग का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसी का हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस रख सकता है। सभी लेवल पे ऐसे ही काम करना है। ये है बाई सेल लेवल 2 है, इसमें बाई सेल लेवल 2 है और आप लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो ये पूरा फाइल आप लोग को एंड ऑफ द डे और लाइव मार्केट में आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट एंड ऑफ द डे मिल जाएगा और लाइव मार्केट में भी टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ है, आप लोग को भी देख सकता है, बाय सेल लेवल्स तो है ही, इसमें बहुत सारा ईएमए का क्रॉस ओवर या इसी में कुक आउट बोलिंजर ब्रांड प्राइस चैनल टिडन लेवल प्रोबेबिलिटी बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता चल जाए। वेरियस टाइम फ्रेम में इसमें प्रोबेबिलिटी इसमें कैलकुलेट किया गया है, वो भी अच्छी तरह से मिलता है। यह है बाई सेल लेवल 3, इसमें R1 इसका बाई का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है, ठीक है। और यह स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, इसी का हिसाब से भी आप लोग काम कर सकता है। ओके, तो इसके बाद ये बोलिंजर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड इसमें भी आप लोग को काम पे आएगा। प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड ये भी आप लोग को काम पे आएगा। प्राइस चैनल का अपर बैंड जब ब्रेक करेगा या लोअर बैंड जब ब्रेक करेगा बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और ये जो सोच लीजिए मिड बैंड का नीचे गया, सोच लीजिए नीचे से ये ऊपर जाके मिड बैंड का ब्रेक किया या ऊपर से नीचे आके ये मिड बैंड ब्रेक किया, तो ये भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये है इसी मोकू क्लाउड, ये भी देख के आप लोग इसके बॉय BWAP का भी लेवल है और टिरन लेवल ये भी आप लोग काम कर सकता है, वो प्राइस चैनल के जो जैसा है प्राइस चैनल का तरीका से ये भी आप लोग ट्रेंड ले सकता है। मेरा भी गाइडेंस रहेगा, आप लोग बोल में क्वेश्चन कर सकता है कि इतना सारा लेवल्स है कौन सा लेवल पे काम करूँगा, तो आप लोग को मेरा भी गाइडेंस मिलेगा कौन सा लेवल पे कब काम करना है। आप लोग कोई भी एक लेवल लेके काम कर सकता है, आप लोग को फाइल अपडेट किया जाएगा। आप लोग इसमें आप लोग को कोई ये है गान का लेवल्स, गान डिग्री का लेवल है, ठीक है, सॉरी गान एंगल्स का लेवल्स है ये। और ये है गान स्क्वायर ऑफ 9, गान का एक बहुत ही बास सब्जेक्ट है, आप लोग भी बहुत सारा वीडियोस देख सकता है। उसके बाद आपका आप लोग को बहुत सारा आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन ले सकता है, ट्रेनिंग सेशन करेंगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसमें देखिए ये है मुरेस मैथमेटिकल लेवल्स, ये इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट आप लोग को इधर मिडिल में रहेगा। और ये जो सपोर्ट लेवल है S1 से S18, इसमें S1 से S18 तक इसका लेवल दिया है, तो इसमें आप लोग को करना क्या है, इसमें सोच लीजिए कोई भी एक लेवल 884 का और 877 का अंदर रहेगा तो आप लोग को नीचे लेना है, 884 और 892 का अंदर है तो आप लोग को ऊपर ट्रेड लेना है, ऐसे करके 892 और हाइस्ट रेजिस्टेंस जो है उसका अंदर रहेगा तो आप लोग को ऊपर लेना है, ऐसे करके आप लोग को ट्रेड लेना है कोई भी लेवल पे, मैंने एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद ये सब मान लो कौन सा लेवल पे कौन सा है ये सब मैंने थोड़ा सा किया है, वो कौन सा लेवल पे कौन सा है वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और ये है 360 डिग्री एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये देखिए अपसाइड 360 डिग्री एनालिसिस अपसाइड फर्स्ट साइकिल, ठीक है, ये 45 डिग्री से 360 डिग्री तक ये अपसाइड का लेवल दिखाएगा,
ठीक है, ये और ये डाउन सेट अप साइड 360 एनालिसिस, अप साइड डाउन सेट फर्स्ट साइकिल, ये 45 डिग्री से 360 डिग्री दिखाएगा, ये एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल। सोच लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो आप लोग को इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें ये और इसका ऊपर जाएगा तो और भी हेल्पफुल रहेगा। ये 360 डिग्री प्राइस है, ये अप साइड सेकेंड साइकिल, ठीक है, 45 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और ये 1+45 डिग्री होगा, और इसमें डाउन साइड में 1+45 डिग्री ऐसे करके होगा 360 डिग्री तक। डाउन साइड का हो गया, ये थर्ड साइकिल है 2+45 से लेकर 2+360 डिग्री तक, और डाउन साइड का भी ऐसा है 2+45 से 2+360 तक, ये एंड ऑफ द सेकेंड साइकिल। इसमें भी आप लोग काम कर सकता है, ये दूसरा तरीका से बना गया है, फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल, और इसमें भी आप लोग काम कर सकता है, ये भी फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल थर्ड साइकिल में आप लोग काम पे आएगा। और इसके बाद जो है ये है ये नंबर वाइब्रेशन है, रूल ऑफ सेवन, ये आप लोग को आप लोग कुछ स्टडी करेंगे तो इसको एनग्राम बोलता है। इसमें आप लोग 369 और 1457 एक नंबर का एक वाइब्रेशन होता है, तो इसका हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है, ये सेवन का रूल में ये बनाया गया है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 12, ये जो वाई का एंट्री लेवल दिखा रहा है आप लोग को, ये है गन स्क्वायर ऑफ 12। ये दोस्तों आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, आप लोग कॉल सर्विस लेंगे तो और ट्रेनिंग भी कोर्स भी आप लोग कर सकता है। इसमें बहुत सारा लेवल्स आप लोग को मिल जाएगा, और एक भी लेवल आप लोगों को ये कैसे मैच कर रहा है आप लोग जरा देख लेंगे। आप लोग पिछले वाला वीडियोस देखिए, पिछले उससे बैक टेस्ट कर, पिछले वाला वीडियोस देख के आप लोग चार्ट में बैक टेस्ट करके देख सकता है, नहीं तो डाटा हिस्टोरिकल डाटा एनएससी इंडिया साइट से जो लोग को पता है कैसे करना है, डाटा देखना है, डाउनलोड करना है तो हिस्टोरिकल प्राइस कैसे डाउनलोड करना है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये कैसे अच्छी तरह से मैच किया है बाई सेल लेवल आने के बाद। इसमें आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत सारा लेवल्स तब दिखा है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करने के टाइम दिखा है, और अभी दिखाता हूँ और भी बहुत और भी लेवल्स कुछ दिखा देता हूँ। तो इसमें ये बाई सेल लेवल 1 है, ठीक है, ये बाई सेल लेवल 1, इसमें बाई सेल लेवल 2, यह है बाई सेल लेवल 2, उधर भी प्रोबेबिलिटी दिखाया, इधर भी आप लोग को प्रोबेबिलिटी ना, इधर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दूसरे तरीका से किया है, तो इसीलिए इस सर नहीं दिया है, द स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकला है। इधर ये है वाइसल लेवल 3, और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें बोलिंजर बैंड का ये निफ्टी फ्यूचर में दिख रहा है, इंडेक्स का एक्चुअली सभी में डाटा नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें कुछ सब नहीं आता है। हर एक चीज़ आपको काम पे आएगा, आप लोग को मैंने शॉप के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ आप लोग को इधर जो है हर एक चीज़ आप लोग को काम पे आएगा। ये गान डिग्री का है, ये प्लेन गान डिग्री का है, उसके बाद मैंने आप लोग को वोलेटिलिटी बेस्ड गान एंगल्स गान डिग्री दिखाऊंगा, फिबोनाची लेवल्स दिखाऊंगा, वोलेटिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड डिविजन बेस्ड रिलेट वेव, आप लोग पूरा फाइल आप लोग को मिल सकता है। आप लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो मंथली एक चार्ज है, उसमें आप लोग को ये पूरा फाइल मिल जाएगा, आप लोग को बहुत ही वो हेल्पफुल रहेगा। आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, आप लोग को ट्रेनिंग सेशन में ये सब सीखा जाएगा, तो आप लोग को आप लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल यूट्यूब वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख सकता है। और मेरा वेबसाइट है, उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उधर से मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, बहुत सारा चीज़ आप लोग को उधर से मिल जाएगा। यह क्वांटिटी का लेवल, क्वांटिटी का लेवल भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, कुछ भी स्क्रिप्ट में ये काम करेगा, ये सब लेवल्स आप लोग को कुछ भी स्क्रिप्ट में काम करेगा। आप लोग इसका अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो भी डिटरमाइन कर सकता है, इसका वैल्यू आप लोग सोच लीजिए, जो इंडिकेटर्स इधर लगा हुआ है, मेरा और भी एक फाइल है उसमें और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा हुआ है, आप लोग चार्ट में भी चेक कर आप लोग चार्ट में इंडिकेटर लगा के भी चेक कर सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि
मैंने पिवट पॉइंट का हिसाब से किया हूँ, और जो एक्चुअली इंडिकेटर है और एक एक प्लेटफॉर्म में एक एक दिखाएगा आप लोग को। सो जैसे आप लोग को जीरोधा में जो दिखाएगा अपस्टॉक्स में दिखाएगा, और इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में दूसरा दिखाएगा, ट्रेडिंग व्यू डॉट में आप लोग को दूसरा चीज़ दिखाएगा। तो थोड़ा सा थोड़ा वो डिफरेंस आएगा। आप लोग कोई भी इंडिकेटर दूसरा तीन दो तीन प्लेटफॉर्म में आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। तो इसके बाद मैंने 100 डे EMA स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। ये भी जो लेवल्स है ये भी आप लोग को बहुत ही काम काम का है। क्या हो गया, ये जो इधर भी जो बाइसल लेवल 3 कम स्किनर 2, इसमें बाइसल लेवल 3 का जो है वो भी बहुत ही काम पे है। ये अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का जो लेवल्स है, अप ट्रेंड का बाइसल लेवल रखा है और डाउन ट्रेंड का भी, इसीलिए मैंने आप लोग को दोस्तों आप लोग को वो जो क्या इसमें क्या क्या है कैसे स्क्रीनिंग करना है वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। इसका कैसे इफेक्टिव नेस है इसमें आप लोग को, ये जो अप ट्रेंड ये ओफो ये जो अप ट्रेंड का जो बाइस अप ट्रेंड का भी बाइस है, जब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है वो और भी आप जाएगा क्या आप लोग देखता है ये ऊपर जा रहा है तो आप लोग किसी भी जगह में आप लोग को लॉस हो जा सकता है, वो नीचे चला जा सकता है। लेकिन आप लोग इस ट्रेंड का अप ट्रेंड इस लेवल पर आप लोग लेंगे तो आप लोग का प्रॉफिट होगा ही होगा। और अप ट्रेंड का ये बहुत ही सेफ लेवल है, अप ट्रेंड का जो अप ट्रेंड जब रिट्रेस होकर नीचे आएगा वो भी आप लोग को दिखेगा। और जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है वो जब आप जाएगा तो कौन सा लेवल पे रिट्रेस होएगा, और डाउन ट्रेंड और भी डाउन जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, ये आप लोग एक्चुअली फिबोनाची का जो एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का ये कॉन्सेप्ट इधर काम के लगा कर ये कैलकुलेट किया गया है। और इधर कौन सा लेवल पर कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। और इसमें ट्रेंड पता करने के लिए इधर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर रखा है, और आप लोग इस शीट से भी आप लोग ट्रेंड का पता कर सकता है, इस लेवल पे भी आप लोग काम कर सकता है। और इधर इधर भी बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इधर आप लोग को जो दिखाता हूँ एक्चुअली आप लोग को फाइल मिल जाएगा तो बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। इधर 100 डे मूविंग एवरेज जो आज का डेली कैंडल को मतलब डेली कैंडल का डेली चार्ट में आप लोग चार्ट जब डेली लगाएंगे डेली से टाइम फ्रेम में लगाएंगे उसमें 100 डे मूविंग एवरेज सिंपल 100 डे मूविंग एवरेज जिस स्टॉक्स को काट किया है तो उसका नेक्स्ट डे में उसका जब हाई लो तोड़ेगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, सियर शॉर्ट प्रॉफिट आप लोग को देके जाएगा। तो इधर देखिए इधर एशियन पेंट में एक दिख रहा है, एक बार्जर पेंट में दिखा रहा है, एक कोलपेल में दिखा रहा है, ठीक है कोलपेल में दिखा रहा है, और भी है आप लोग इसमें मारुति में सॉरी मारिको में दिखा रहा है, तो और भी बहुत सारा है, मैंने सबको अभी नहीं दिखा पाऊँगा। इसमें भी बहुत सारा इंडिकेटर्स है, इसका आप लोग इंडिकेटर्स देख के आप लोग इंडिकेटर्स देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इंडिकेटर देखे ट्रेंड पता कर सकते हैं और क्या कर सकता है। एनी वे शॉर्ट टर्म मूविंग अब ये जो शॉर्ट टर्म जो EMS ये है गापी मल्टीपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट इधर दिया है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज और ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद ये इंडिकेटर्स देख के आप लोग और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, वो भी आप लोग को चार्ट का सेटअप में आप लोग मेरा ट्रेनिंग कोर्स में है उसमें लेवल भी डिटरमाइन कर सकता है, उसमें स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकता है, बहुत सारा चीज़ डिटरमाइन कर सकता है। एनीवे वो बात के बाद है। तो इधर जो ट्रेनिंग का सॉरी एवरेज अप ट्रेंड और एवरेज डाउन ट्रेंड जो एवरेज अप शॉर्ट टर्म जो एवरेज डाउन ट्रेंड का ऊपर होगा तो इसमें इसमें अप ट्रेंड होगा और जब उल्टा होगा तो डाउन ट्रेंड में दिखाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर सकता है कौन कौन स्टॉक्स में दिखाता है,
उसके बाद मैंने इनसाइड द बार एन आर फोर एन आर सेवन दिखाऊंगा। इनसाइड द बार एन आर फोर एन आर सेवन को दिखाऊंगा। देखिए इधर एन आर फोर एन आर सेवन बनाए अमराज बैटरी में, ठीक है। एन आर फोर मतलब नैरो रेंज फोर और नैरो रेंज ये 7 दिन से नैरो रेंज है, ठीक है। तो ये जिसका जब हाई लो ब्रेक होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये सब एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, जो लोग जानता है वो लोग कर सकता है। आप लोग का ये स्किनर एक स्किनर की तरह काम करेगा। बजाज ऑटो का बना है एन आर फोर एन आर सेवन, इधर इंसर्ट द बार भारती एयरटेल में बना है एन आर फोर एन आर सेवन बना है, ठीक है। और क्या दिखाएंगे, हाँ और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक है उसमें देखता है। इसमें हार है, एक मिनट मैंने आप लोग को इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा देता है, आप लोग को आएगा। ये हार है, हार लॉस है लगातार 3 दिन से, ये लगातार 3 दिन से ये हार है, हार लॉस बनता है। इसको थ्री व्हाइट सोल्जर बोलता है और ये लगातार 3 दिन से ये थ्री ब्लैक को लोअर 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 हाई लोअर लोज बनता है। तो इसका जब हाई ब्रेक करेगा, इसका जब लो ब्रेक करेगा बहुत होगा। इसमें देखिए एसीसी में, अदानी अमरा राजा बैटरी में, अपोलो हॉस्पिटल में, आप लोग को कुछ भी है कुछ चार्ट के आप लोग देख सकता है इसका। मैंने तो दिखा, आप लोग कुछ चेक कर सकता है। इसमें देखिए चार्ट में दिखाने के लिए मेरे को बहुत डिले हो जाएगा, मैंने पहले पहले दिखा दिया, वो आप लोग देख सकता है। तो अभी आप लोग को चेक कर लीजिए। तो हर रोज आप लोग को इसमें दिखाऊंगा तो मेरा तो टाइम उसमें चला जाएगा, आप लोग को चेक कर सकता है। ये लोअर यहाँ लोअर लोज बनता है क्या, इंसर्ट द बार बनता है, 100 डे में काट करता है नहीं करता है, ये आप लोग कुछ चार्ट में चेक कीजिए, मेरे को फीडबैक देख सकता है ऐसे करके। चार्ट में लोगों ने ये नेट का प्रॉब्लम आता है, प्रोसेसर डिले होता है। तो देखिए इधर निफ्टी बैंक लगा हुआ है, इधर क्या देखा, अमराजा बैटरी आते आते बहुत टाइम लग जाता है ये दोस्तों। ये लोअर एसीसी में बनता है, इसमें ये बना है, इसमें बहुत सारा चीज आप लोग को दिखता है। तो देखिए इधर अमराजा बैटरी एक बार देख लेता है, अमराजा बैटरी इसमें देखिए, इसमें चार्ट को खींच के लाना पड़ेगा। तो खुद चार्ट में देख लेंगे, नया नया जब ज्वाइन करता है देखते हैं, तो इसलिए इस लोग को थोड़ा सा दिखना पड़ता है। तो इसको बड़ा करोगे तो आप लोग को क्लियर नजर आएगा। तो देखिए इसमें ये जो थ्री कैंडल देख रहा है आप लोग, इधर थ्री कैंडल देख रहा है, ये लगातार 3 दिन से हाई रही, हाई लोस, थ्री डेज बुलिश कैंडल बना है। तो इसमें आप लोग को मैंने जो बोल रहा था, देखिए इधर लेवल्स भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसका जब हाई लो ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा तो ये इसका इसका रेजिस्टेंस 553 तक ये जा सकता है, इधर 572 वो बात का बात है। और इसका देखिए इधर थ्री हाल ए सी सी में देखता है, ए सी सी में भी ऐसा दिखना चाहिए, हाई रही हाई लोस बना है, ये चार्ट ऊपर चला जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, खींच के नीचे लेना पड़ेगा। इसमें फालतू में देर हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है और भी बहुत सारा चीज़ दिखाने का रहता है, इसलिए मैंने दिखाता नहीं हूँ। आप लोग को
मतलब दिखाने का मतलब है आप लोग को ये मिले, मतलब ऐसा ही मिलेगा। ये देखिए लगातार 3 दिन से ये 3 हाई बना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इनसाइड द बार एक दिखा था, कौन सा जगह में इनसाइड द बार, इनसाइड द बार कॉन्सेप्ट जो इसका है उसका पता चल जाएगा कि इनसाइड द बार है। सोच लीजिए भारती एयरटेल मैंने लगाऊंगा, भारती एयरटेल इसमें इंडिकेटर आप लोग को सोच लीजिए, मेरा इंडिकेटर इसका आपको दिया तो और भी क्लियर नज़र आएगा आप लोग को। भारती एयरटेल आप लोग को ये मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग चेक कर सकता है। आप लोग को दूसरा जगह से भी देख सकता है। ये देखिए इनसाइड द बार बना है, ये आज का जो कैंडल है, ये आज का ये अगला दिन का कैंडल का ये अंदर रह गया, तो इसका जब हाई लो तोड़ेगा ये कॉम्प्रेस हो गया है, तो इसका जब होगा तो आप लोग को अच्छा मिलेगा। बजाज ऑटो का सोच शायद मैंने देख रहा था कि बजाज ऑटो में इसका ये बना है, क्या बोल रहा है, NR4 NR7 बना है। तो देखिए जो लास्ट 3 दिन या 4 दिन का जो हाई लो का डिफरेंस है और आज का हाई लो का जो डिफरेंस है ये सबसे कम है, तो क्या है, ये कॉम्प्रेस्ड हो गया है एक तरीके से, ये कॉम्प्रेस्ड हो गया। तो इसका जब हाई लो ब्रेक होगा ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलेगा इसका। तो ठीक है, तो दिखा दिया मैंने एक दो एग्जांपल लेके, आप लोग अभी खुद चेक कीजिए, तो ऐसे ही पैटर्न आप लोग को दिख जाएगा। और ये पॉजिटिव और कुछ ही नहीं मिलेगा तो मेरे को ज़रूर पता कीजिएगा, मतलब फीडबैक दीजिएगा, भाई ये तो आप दिखा रहा है लेकिन ये नहीं आता है। ये बॉस लिमिटेड में देखिए हैंगिंग मैन बनता है, ठीक है। अरे यार ये हैंगिंग मैन बनता है, इसमें सेंचुरी टेक्स में इसका इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। हैंगिंग मैन का कॉन्सेप्ट आप लोग के इसमें हैंगिंग मैन बना है, बॉस लिमिटेड, बॉस लिमिटेड आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसका जो अप ट्रेंड का ये रिवर्सल दिखाता है, जब हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में जब आप हैंगिंग मैन बनता है तो इसका डाउन में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, एक दिन या नहीं तो 2 दिन में ये या 3 दिन में इसका डाउन ट्रेंड में आएगा ही आएगा। तो देखिए इधर हैंगिंग मैन, ये अप ट्रेंड है इसमें हैंगिंग मैन बना है, ठीक है, इसमें इसका रिवर्सल चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है, इन्वर्टेड हैमर, इधर इन्वर्टेड हैमर देखता है, CSC में इन्वर्टेड हैमर बना है, CSC शायद लगा हुआ है, देखता है एक बार CSC। आप लोग को दिखाने का मतलब है कि आप लोग को यकीन हो जाएगा कि इसमें जो दिखाता है सही दिखाता है, कुछ दूसरा कुछ नहीं दिखाता है, और जो आप लोग खुद भी चेक कर सकता है, तो खुद भी चेक कर सकता है और कुछ नहीं मैच करेगा तो मेरे को फीडबैक दे सकता है। CSC में इन्वर्टेड हैमर बनना है, देखिए इसमें थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर या थोड़ा सा लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर भी इसका सभी समय परफेक्ट नहीं बनता है, लेकिन ऐसा ही मिलेगा आप लोग को। इधर फार्मूला देखें, इधर हैंगिंग मैन और भी जगह में बना है, HDFC बैंक, हिंडाल्को, इनपेट्रो, इसमें हैंगिंग मैन बना है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। लेकिन मैंने बोलता हूँ एट द एंड ऑफ द डे आप लोग को बाई सेल लेवल्स का ज़रूरत ज़्यादा होता है। आप लोग जो लोग प्राइस सेक्शन में काम करने का पसंद करता है इसका ये आप लोग को पता चाहे मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो बाई सेल लेवल्स है वही आप लोग को काम पे आएगा। ये मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट ये आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा, उसका जब हाई लो ब्रेक करेगा। इवन लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न, लॉन्ग बॉडी कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें मैंने थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, कौन सा स्टॉक में बनना है ये आप लोग को दिख जाएगा, देखने से सुविधा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसके बाद बियरिश रिवर्सल कुछ बना है, ठीक है, बियरिश रिवर्सल बना है, कुछ स्टॉक्स में ट्रांगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, जो लोग एक्चुअली प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर सकता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, मतलब पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न।
इसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है, मैजिक की तरह काम करता है। एक्चुअली मैजिक नहीं, इसमें साइंस है, इसीलिए प्राइस एक्शन में ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनता है प्राइस एक्शन में। तो प्राइस एक्शन जो में वो सब जो बनता है, तो इसीलिए बहुत साल से ये आप लोग जानता है इसका, इसीलिए ये स्टैंडर्डाइज हो गया, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया इसका, ये स्टैंडर्ड एक हो गया, तो इसमें आप लोग को जरूर मिलेगा। अच्छा एनीवे, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो मैंने 7 दिन का मल्टीपल टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, आप लोग वैल्यू नोट कर सकता है इसमें क्या होगा। इस लेवल पे जो आएगा आप लोग को बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ये फिबोनाची लेवल 7 दिन का हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हैं, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 1 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से, और 1 ईयर का हिसाब से आप लोग को ये इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या होगा, और ये पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग मेरा कॉल सर्विस लेंगे तो इसमें आप लोग को नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। और सेकेंडली आप लोग को जब कोई भी लेवल आप लोग को सामने आ जाएगा, उसमें आप लोग को इधर 1 ईयर का हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी का इतना डाटा मैंने नहीं दिया, लेकिन स्टॉक्स में आप लोग को इधर मिल जाएगा 1 ईयर का हिसाब से। एनी वे, तो इधर इसमें उसके बाद ये कौन सा क्लोज टू 2 डेज हो गया भाई, पिवट पॉइंट कौन सा पिवट पॉइंट का बीच में है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये सीपीआर और पिवट पॉइंट का लेवल है, मल्टीपल टाइम पे सीपीआर पिवट पॉइंट का लेवल है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिबोनाची का लेवल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से आप लोग जो भी लेवल आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, बहुत ही काम पे आएगा। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, फिबोनाची लेवल्स बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी एंड वोलेटिलिटी, ठीक है। ये निफ्टी, मैंने ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूँ, सभी में मेरा स्क्रीन पे नहीं आएगा। इक्विटी स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का नोट कीजिए। फिबोनाची का लेवल्स वोलेटिलिटी बेस्ड, फिबोनाची लेवल्स वोलेटिलिटी बेस्ड, ये R1 R2 का जो कॉलम पे जो है वो आप लोग नोट कीजिए। आप लोग वीडियो पॉज करके धीरे से धीरे धीरे देख सकता है, ये वोलेटिलिटी सबसे गांड एंगल्स है, ठीक है। और इधर ये R1 R2 S1 S2 ये सब आप लोग नोट कर सकता है। R1 बाई बाई का साइड है, और S1 सेल का साइड है। ये है गांड डिग्रीज का लेवल्स, ये भी वोलेटिलिटी बेस्ड लिंक वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही आप लोग को ट्रेनिंग में दिखाऊंगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही अल्टीमेटली आप लोग को काम पे आएगा। ये है इलियट वेब का, इलियट वेब, ये इसका भी जो लोग इलियट वेब में काम करना जानता है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये वोलेटिलिटी बेस्ड प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्राइस मूवमेंट, और ये है वोलेटिलिटी ये जो लेवल्स है बाई का एंट्री लेवल आप लोग दिख रहा है उसके इधर से आप लोग नोट कर सकता है। ये वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल हाई प्रोबेबल लेवल्स, ठीक है, हाई प्रोबेबल बाई सेल लेवल्स, ये वोलेटिलिटी बेस्ड प्रोबेबल हाई प्रोबेबल लेवल्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ये भी आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये सब फ्री में आप लोग को मिल जाएगा, हर रोज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन, इसका ये जो दिखाया है इसी में ही आप लोग को ट्रेड हो जाएगा। दो चार स्टॉक्स निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार दो बार आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को तो काम हो जाएगा। तो इसमें देखिए, और इसमें देखिए ATP बेस्ड बाय सेल लेवल्स है, इसमें न्यू हाई, न्यू नो, न्यू 1 वीक हाई, न्यू 1 वीक लो, ये सब आप लोग को नियर 1 वीक हाई, नियर 1 वीक लो, न्यू हाई, ये सब आप लोग को इधर से ये मैट्रिक्स बना हुआ है। ये फाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें MACD का MACD RSI स्टोकास्टिक्स इसिमोकू क्लाउड बोलिंजर बैंड केडनर चैनल संडलियर एग्जिट ट्रांगुलर मूविंग एवरेज अल्टीमेट मूविंग एवरेज ये सब आप लोग को, लीस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज और लीनियर रिग्रेशन फोरकास्ट, ये सब इतना सारा इंडिकेटर देख के आप लोग को काम करेगा। और इंडिकेटर आप लोग को तो मैंने बोल के रखा हूँ कि आप लोग इंडिकेटर चार्ट पे लगा के देख सकता है, उसी का हिसाब से आप लोग का आप लोग भी चार्ट जो जानता है उसमें आप लोग को देख देख सकता है कि बाई ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में ज़्यादा है।
और ये भी लेबल्स आप लोग को नोट कर सकता है, ये आप लोग को वेबसाइट में भी मिलेगा फ्री में। आप लोग फ्री का जो वेबसाइट है उसमें आप लोग को ये लेबल आप लोग को मिल जाएगा, ये भी लेबल लेकिन नोट करके रख सकता है। इतना मैंने प्रेफर नहीं करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट भी आप लोग प्रेफर कर सक नोट कर सकता है। ये कैमरीला का लेबल्स है, कैमरीला H1, H2, H3, H4, H7 जो कैमरीला का लेवल कैलकुलेटर मतलब ट्रेड करना जानता है वो भी देख सके इस्तेमाल कर सकता है। इधर भी इसका रूल्स लिखा हुआ है, H3 और L3 का बीच में होगा तो क्या करना है, H3 और H4 का बीच में रहेगा तो क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, L3 और L4 का बीच में रहेगा तो इसमें कैलकुलेट करना है कैसे ट्रेड लेना है, अबव H4 का ऊपर कैसे ट्रेड लेना है, अबव बिलो L4 का नीचे होगा तो कैसे ट्रेड लेना है, ये सब लेवल। और ये है फिबोनाची बेस्ट लेवल्स ट्रू रेंज, ठीक है, ये इसमें भी आप लोग नोट कर सकता है। इसमें फिबोनाची बेस्ट लेवल्स इसमें ज़रूरत नहीं होगा, और फिबोनाची बेस्ट ATR लेवल्स, ठीक है, ATR लेवल्स है ये ATR 14। मैंने ATR 14 एक्चुअली टू रेंज भी ATR है, लेकिन टू रेंज है वन वन डेली वन डे का हिसाब से, वन डे का तो टू रेंज है, उसका जब 14 पीरियड लेके उसका जब एवरेज किया जाता है वो एक्चुअली आप लोग को चार्ट में दिखता है, वही एक्चुअल एवरेज टू रेंज होता है। और गन एंगल का बेस्ट ऑन एवरेज टू रेंज ये दिख सकता है, गन एंगल बेस्ट ऑन एवरेज डेली, ये सब शायद आप लोग को दिखा दिया था निफ्टी में, और ये गन एंगल बेस्ट ऑन टू रेंज, ठीक है, ये आप लोग को दिखा दिया है ऑलरेडी, इसको दिखाने का कोई फायदा नहीं है। और मैंने आप लोग स्टॉक्स में कुछ नोट कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोग को दिखा दिया था, इधर गन एंगल बेस्ट ऑन 51 स्टैंडर्ड डिविएशन 7 डेज, जो लोग मतलब लॉन्ग टर्म में काम कर सकता है इसका लेवल आ सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का लेवल में डिलीवरी बेसिस करना चाहता है। और यह इंडिया भी इसका हिसाब से कैसे स्टॉक्स या कोई भी स्क्रिप्ट टॉप अप और बॉटम आउट होता है वो भी आप लोग को इधर से मिल जाएगा। यह है गन बेस्ट फिबोनाची लेवल्स, सॉरी गन बेस्ट 30 डेज का, गन डिग्रीज 30 डेज का हिसाब से, वन स्टैंडर्ड डिविएशन का हिसाब से, वन स्टैंडर्ड डिविएशन लिंक्ड है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये डेली का वन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से वन डे का जो है उसका लेवल है। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो बाद में मिलेंगे जरूर, तब तक के लिए धन्यवाद।